ठीक है, तो ये आपकी एक चीज थी, फाइन। इसके बाद सर्कल में क्या पढ़ा था आपने बताओ? टेंजेंट, टेंजेंट्स, पॉइंट्स एंड ऑल, है ना? तो कुछ एक्सप्रेशंस के नाम थे ना? यस सर, एस जीरो एस पी वगैरह, है ना? तो पहले अपन पढ़ते हैं पॉइंट एंड सर्कल, पॉइंट एंड सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के अंदर पॉइंट है, क्या क्या था कंडीशन बताओ? एस वन लेस देन जीरो, पॉइंट अंदर एस वन इक्वल टू जीरो, ऑन एस वन ग्रेटर देन जीरो, सर्कल। ये चमकता है ना, एस वन क्या है? यस सर। अरे हाँ यार, एस वन चमकता है। यस सर। ठीक है, पॉइंट एंड सर्कल, फिर क्या था? लाइन एंड सर्कल, लाइन एंड सर्कल याद है? यस सर, है ना? तो लाइन कैसे था बताओ? अगर सीकेंट है, अगर सीकेंट है तो सेंटर से परपेंडिकुलर इज लेस देन रेडियस, टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस, और अगर बाउंसर है, बाउंसर कोई टर्म नहीं होता है मैथमेटिकल टर्म, मैंने दे दिया ऐसे ही, तो क्या होगा? पी इज ग्रेटर देन आर, ये बात चमकती है? यस। ठीक है, फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को हम लोगों ने क्या बनाया था? टेंजेंट, टेंजेंट सर्कल के लिए, है ना? कौन से सर्कल के लिए? छोटे वाले, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, क्या आया था टेंजेंट का इक्वेशन? नहीं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आई थी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। हाँ, तो क्या आया था? c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस वन। अरे याद है क्या? यस सर, हाँ सर याद है। ठीक है, फिर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, अगर सर्कल का पॉइंट x1 y1 है तो टेंजेंसी, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? t1 is equal to t1 नहीं, क्या होता है? t is equal to 0, t equal to 0 is equation of tangent, tangent at x1 comma y1, x1 comma y1, ये बात चमकती है। फिर तीसरी चीज, पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालते हैं? सर्कल और लाइन का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालते हैं बताओ? मेथड ऑफ कंपैरिजन से, मेथड ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन से एक तरीका क्या था? मेथड ऑफ कंपैरिजन मतलब कैसे? ये लाइन दिया रहेगा, देखो आप लोग नोट्स पढ़ के आओ तभी फील आएगी, है ना? ये लाइन दिया रहेगा और हम लोग कह देंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या, एक्स वन वाई वन। यस सर। और फिर क्या लिख दोगे उसी लाइन का इक्वेशन? टी इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगा? दोनों को कंपेयर कर देंगे तो क्या आ जाता है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अरे हाँ या ना? हाँ सर। एक और मेथड था निकालने का बताओ, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट क्या होता है? रेडियस होता है। अरे नहीं भाई, सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस होता है। सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? पॉइंट ऑफ टेंजेंट, सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अरे इतना क्लियर है? सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? पॉइंट ऑफ टेंजेंट। कुछ फील आ रही है क्या? बस दो तीन लोग बोल रहे हैं, क्लास पढ़ के आओगे ना नोट्स तो आज? आज तो ये, और कुछ टेंजेंट में और कुछ था कितना ही था?
लेंथ ऑफ टेंजेंट था, लेंथ ऑफ टेंजेंट था, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी भी पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट एस वन, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या था, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है बताओ, रूट ऑफ एस वन, रूट ऑफ। अरे इतना क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। इसमें कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, पूरा कर लो, तुम्हारी इच्छा पूरा कर लो। हो गया? एक मिनट, कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि सर क्वेश्चन बैंक जो आपने दिया है ना बहुत बड़ा है, हिम्मत ही नहीं हो रही है स्टार्ट करने की, ठीक है। तो तुम्हारी बिल्कुल जेन्युइन बात है, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, ठीक है। तो बेस्ट तरीका क्या रहेगा, हर पेज से तीन तीन क्वेश्चन करो तो तुम्हारी हिम्मत बनी रहेगी। ऐसे तुम एंड खोजते खोजते नहीं, कभी नहीं कर पाओगे, खत्म ही नहीं कर पाओगे। तो हर पेज से ना दो दो क्वेश्चन कर लो, एक एक क्वेश्चन कर लो तो भी तुम्हारा हो जाएगा। ये बात चमकती है क्या? यस सर। अगर एक साथ सोचोगे ना तुम्हें लगा अरे यार स्टेट टाइम में तो 25 पेज है, हर पेज पे 15 क्वेश्चन है, कैसे होगा? आई एग्री, कभी खत्म नहीं होगा। तो बेस्ट क्या है, दो दो क्वेश्चन हर पेज से करो तो क्या होगा, क्वेश्चन भी होते रहेंगे और कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। और रैंडमली प्लेस कर दो कि आज ये करेंगे कल वो करेंगे, कोई प्लान नहीं बनाओ, एक रैंडम प्लेसमेंट कर दो तो अच्छा रहता है। तो उससे धीरे धीरे हो जाती है चीजें। ये बात चमकती है क्या? Yes. रब करें इसको, हाँ सर, क्योंकि पेपर अगर मैं टफ दे दिया तो मैं बता रहा हूँ मार्क्स नहीं आने वाले अच्छे से आप लोगों के फिलहाल, क्योंकि आप लोग में अभी तक वो नहीं है, आप लोग डाउट नहीं पूछते हो अच्छे से, ठीक है। एनीवेज ये हो गया टेंजेंट और सर्कल हो गया, ठीक है। और टेंजेंट और सर्कल के बाद कुछ चीजें और थी इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं। पावर ऑफ पॉइंट याद है क्या? क्या था बताओ? किसी भी पॉइंट पी के लिए पावर ऑफ पॉइंट क्या था बोलो? हेलो, ठीक है, इज इक्वल टू पीटी टू स्क्वायर, इसको बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट एक्स वन वाई वन। अरे बात चमकती है? यस सर। दिस कंडीशन इज ऑल्सो द कंडीशन फॉर कॉन्साइक्लिसिटी, कॉन्साइक्लिसिटी ऑफ ए वन बी वन ए टू बी टू, कॉन्साइक्लिसिटी ऑफ ए वन बी वन ए टू बी टू। ये बात चमकती है क्या? यस, फील नहीं आ रही, इतना क्लियर है? कॉन्साइक्लिसिटी ऑफ ए बी ए टू बी टू मतलब, कॉन्साइक्लिसिटी मतलब क्या, चार की ये चार पॉइंट जो है एक सर्कल पर आई कर रहे हैं उसका कंडीशन यही होता है ना। अच्छा, ओके। नॉट इन द सेम फिगर, इवन इन दिस फिगर अगर आप ये प्रूफ कर दो ना कि ओ ए ए डैश बी बी डैश
तो ओ बी इंटू ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ ए डैश, अगर ये प्रूव हो गया दैट इंप्लाइज ए ए डैश बी बी डैश आर कॉनसाइक्लिक। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, अरे हेलो, हाँ ना, हाँ सर, हाँ सर, थोड़ा साइड हो गया, एक मिनट सर। अरे हो गया, बोलो। ठीक है, चलो पावर ऑफ पॉइंट कर लिए जी। तो अब क्या था बताओ, नेक्स्ट क्या था? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है बताओ, क्या होता है बोलो? टी इज इक्वल टू जीरो, क्या होता है, क्या डेफिनेशन क्या है इस पॉइंट से? तो टेंजेंट्स को टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाला, जॉइन करने वाले को क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉर्ड। एबी इज सीओसी, क्या होती है इक्वेशन एबी की? टी इक्वल टू जीरो। अरे ये बात चमकती है। यस सर। तो अगर एस वन इक्वल टू जीरो है दैट इंप्लाइज टी वन इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, और अगर s1 greater than 0 है इसका मतलब t1 is equal to 0, t1 नहीं, t equal to 0 is equation of chord of contact coc with respect to x1 y1। ये बात चमकती है? यस सर। यहाँ पे एक ज्योमेट्री थी, बताओ क्या ज्योमेट्री थी? p से जब बनाते हैं टेंजेंट है ना, क्या ज्योमेट्री थी बताइए? सर्कल के सेंटर से, हाँ वो तो होता ही है, वो तो होता ही है, लेंथ ऑफ टेंजेंट तो बराबर होता ही है ना। ये 90 है ना और ये भी 90 है ना, हाँ, क्या ज्योमेट्री थी बताओ? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ये जो है क्या हो गया, ओ ए पी बी इज O A P B is cyclic quadrilateral. O A P B is cyclic quadrilateral. बोलो हाँ या ना? हाँ सर। O A P B is cyclic quadrilateral. है ना? फिर बाकी तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? इस सर्कल का डायमीटर क्या है बताओ? ओपी है। ये बात चमकती है? सर्कल का डायमीटर क्या है? ओपी। ओपी है, सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं ना हम? यस सर। यस सर। ओ मालूम है, पी मालूम है, रेडियस आ जाएगा ना?
हाँ सर। अब ध्यान दो, इन सारे ट्रायंगल का सर्कम सर्कल क्या है? इन सारे ट्रायंगल्स का व्हाट इज द सर्कम सर्कल? अरे ये ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का, सबका सर्कम सर्कल क्या है? यही है ना सेकंड सर्कल। सबका सर्कम सर्कल यही है ना, ये बात चमकती है क्या? यस सर। अरे हेलो, हाँ ना, कुछ yes, बोलोगे बे? यस सर। ये बात चमकती है? यस। ठीक है, कॉपी कर ले, रब करें, क्या करें? कॉपी कर ले। ठीक है, मैंने क्या सोचा है ना कि मैं कमिंग वीक में डीपीपी चलती रहेगी, सर्कल के क्वेश्चन बैंक में कितने क्वेश्चन है देखना जरा एक बार, कोई सर्कल के क्वेश्चन बैंक में कितने क्वेश्चन है, क्योंकि अपने डीपीपी में अब तक सर्कल नहीं आया ना। नहीं आया सर। पीएनसी और सर्कल के क्वेश्चन बैंक में कितने क्वेश्चन है देखना जरा। दो सौ सोलह है। तो अपन अगर रोज का 20-20 करेंगे तो हो जाएगा ना 10 दिन में। कितना करेंगे सर? 20-20 एवरीडे। हाँ, डीपीपी और 20-20 बस। ओके सर, चलेगा। कोई चीज एक साथ नहीं किया जाता, ऐसे नहीं किया जाता कोई चीज, हम एक ही में 100 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हर चीज छोटे छोटे में किया जाता है। Always remember, Rome was not built in one day. ठीक है, it takes time. सर, सर्कल का एसपीपी भी बचा है। हाँ, एसपीपी बचा हुआ है, ठीक है। एसपीपी में थोड़ा सा है, कर लेते हैं इसको, कर लेंगे डिस्कस, या बता दूं मैं, रिवाइज कर दूं। तुम लोग कुछ कह रहे थे ना फैमिली ऑफ सर्कल मैंने छोड़ रखा, तुम लोग बोल रहे थे, बट मैंने कॉमन कॉर्ड की क्वेश्चन पढ़ाई थी ना, एस माइनस एस प्राइम इक्वल टू जीरो। हाँ सर, पढ़ाया था। yes. तो फैमिली से, फैमिली तो बस हल्का सा बचा है, फिर खास नहीं बचा उसमें, अंतर नहीं पड़ता है, हम सारे क्वेश्चन बिना फैमिली एक से कर सकते हैं। कॉपी कर लिए इसको? हाँ। एस क्या डिनोट करता है सर? कौन एस? S1। हाँ। S1 ये एक्सप्रेशन था ना, देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई ये सब ड्राइव किया हुआ है पहले, 2gx प्लस 2fy प्लस c है ना, तो इसको S बोला जाता है। क्या बोला जाता है? S। जब इसमें X1 Y1 डाल देते हैं तो क्या बन जाता है? S1 बन जाता है। हाँ, और T क्या होता है? XX1 प्लस YY1 प्लस 2GX प्लस X1 by 2 प्लस 2FY प्लस Y1 by 2 प्लस C। चमकता है? हाँ सर। ये तीनों चीज क्लियर है क्या? यस सर। सेकंड डिग्री इक्वेशन से इसका एक एक कंडीशन लगाते ना S1 का, उससे क्या मिलता है वो नहीं, वो याद ही रखना रहता है। S1 इक्वल टू 0 ग्रेड सर, ये हर एक कंडीशन होता ना। अरे तो सिंपल सी बात है ना, अगर सर्कल के S1 इक्वल टू 0 का मतलब तेरे ड्राइव किया था हमने, S1 इक्वल टू मतलब इसमें अगर X1 Y1 डाल दिए और वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब क्या है? वो पॉइंट सर्कल का है ना। सर्कल का है। आपने जब नोट्स, हम जब सर्कल पढ़ा रहे थे, आप क्लास में थे और सुख नहीं थे? थे सर, बाकी सब समझा, बस ये S1 ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है सर, बाहर है तो या सर्कल अंदर? तो सर्कल के बाहर है ना, ये तो हमने ड्राइव किया था। ये आप कैसी बात कर रहे हो? अगर पॉइंट X1 Y1 है, सर्कल के बाहर का पॉइंट है, तो हमने क्या लिखा था डिस्टेंस फॉर्म में? जितना मुझे याद आता है, मैं डेरिवेशन के बिना कुछ भी नहीं करता हूं। अगर सर्कल के बाहर है तो क्या होगा बोलो? ग्रेटर देन इक्वल टू रेडियस होगा ना। अभी तो सॉल्व किया था मेरे ख्याल से, मैंने बिना डेरिवेशन के थोड़ा लिखा होगा, बिना डेरिवेशन के लिखा था क्या मैंने? नो सर, डिराइव किया था। पॉसिबल ही नहीं है, मैं बिना डेरिवेशन के मैं कुछ नहीं लिखता हूँ। ये कट गया तो क्या आ गया? बाहर का पॉइंट है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 आ गया। और ये एक्सप्रेशन का नाम क्या है? S1 है। तो सर अभी समझा सर, मुझे क्यों समझा नहीं था, आपने क्लास में प्रेजेंट नहीं थे इसलिए आपको समझा नहीं था, ठीक है?
अरे इतना क्लियर है क्या? यस करें ठीक है। अभी सर्कल में आप लोग को हैंडसम वन, हैंडसम टू, हैंडसम थ्री पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था? नहीं सर। अच्छा मैं नाम नहीं दिया था, ठीक है। चलो ये बताओ, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट कैसे लिखते हैं? एक्सटीरियर पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं? एक तो फॉर्मूला होता है SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर से, है ना? और मैंने एक बताया था ना मेथड, क्या बताया था बताओ? अगर सर्कल है, इसका एक्सटीरियर पॉइंट है x1 y1, तो यहां से टेंजेंट कैसे लिखोगे? बताया था मैंने मेथड, बताओ। सर पहले सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, उस लाइन रेडियस है ना। अरे इस लाइन का y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। यार एक बार नोट्स तो पढ़ के आते यार, कम से कम आज यार तुमने ना तो एग्जांपल 17 किया ना तो नोट्स किया। तुम कहो मैं कल तुमको सर्कल का टेस्ट देता हूँ, हमें गारंटी है तो तुम्हारा एक भी नहीं बना पाऊंगा, तुम्हारा ढंग का पेपर दे दूंगा। ये मजाक थोड़ी चल रहा है यार, तो लिखवाया था ना बार बार, बहुत बार, बहुत बार डांट पड़ी है कि सर्कल में टेंजेंट लिखने के लिए क्या तरीका होता है। अगर एक्सटीरियर पॉइंट है तो ये आप लिख दिए ना, इसमें क्या अननोन है? स्लोप। स्लोप में अननोन है तो क्या करते हैं? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू आर, उससे क्या आ जाता है? यार मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब नहीं बात। अरे सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके रेडियस का कंडीशन लगाओगे तो एम आएगा कि नहीं आएगा यार? तुम नोट्स पढ़ के आए हो सर्कल का? अरे हेलो, सर्कल का नोट्स पढ़ के आए हो क्या? आधा पढ़। क्या करते हो दिन में तुम लोग, क्या पढ़ते हो फिर? अरे सर्कल से सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस करोगे तो एम आएगा कि नहीं आएगा? यस। अन्वेषा क्लास में है तू कि नहीं है? सर हूँ। तेरे को नहीं आता है? सर आता है। तो बोल क्यों नहीं रही है? आता है कि नहीं आता? आपके भी नहीं आता, आता है नहीं आता बताओ साफ साफ, आता है? आता है कुछ कुछ चीजें, मतलब थोड़ा थोड़ा हो रही थी, बहुत सब नहीं आ रहा था, पर ये वाला आता है। तो नोट्स रिवाइज नहीं किया है? चुप हो गई। अरे नोट्स रिवाइज किया कि नहीं किया है? हाँ सर किया रिवाइज। तो फिर नहीं आता है तुमको और क्या? तो तुम क्लास में बोल ही नहीं सकते हो, फायदा क्या क्लास में बैठने का, घर में बैठो यार। मतलब ऐसे ऐसे पढ़ाई किसी नहीं होती, ऐसे मैं अजीब कर रहे हो। अरे हम लोग को जब एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं ना, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इनटू एक्स माइनस एक्स वन। यस सर। यस सर। और फिर क्या करते हैं? रेडियस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस करते हैं तो क्या आता है? स्लोप एम आ जाएगा ना? हाँ सर। यस सर। जा यार नोट्स पढ़ के आ यार, पढ़ा दो सर, सर्कल पढ़ाओ, सर्कल पढ़ा दो। तुम्हें क्या लगा मैं वापस से पूरा पढ़ाएंगे सर्कल तुमको क्या? अजीब बेवकूफी है यार, मैंने क्लास का टाइमिंग कुछ गड़बड़ कर दिया था क्या यार? सब लोग क्यों आ रहे हैं फ्री वाले? आता नहीं है तुम लोग को, मैं क्या बोलूं? ठीक है चलो, ठीक है ये बताओ मुझे, इस कॉर्ड के एक्सटीरियर पॉइंट पे टेंजेंट, ये कॉर्ड, ये सर्कल गिवन है, ये कॉर्ड गिवन है, इसके एंड पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? नोट्स में खोज के बताओ यार, नोट्स में खोलो, नोट्स में खोज के बताओ।
ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड ने इंटरसेक्ट किया इसके एंड पॉइंट पे, बनाया टेंजेंट, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए मेरे को, कैसे निकालते हैं बताओ। हेलो सर, हमें वो कॉर्ड सर्कल के दो कोऑर्डिनेट्स पता है, किसके किसके कॉर्ड और सर्कल के इंटरसेक्शन। वो तो बहुत लंबा पड़ता है, वैसे सॉल्व नहीं करते, मर जाएंगे। मैंने प्रॉपरली लिखवाया था, बताओ। हाँ, कैसे करते हैं बताओ। सर्कल का इक्वेशन है, कॉर्ड का इक्वेशन है, कैसे करते हैं? सर्कल का इक्वेशन ये है, कॉर्ड का इक्वेशन ये है, कैसे निकालते हैं बताओ। सर, लेट t इक्वल टू x1 y1 करेंगे, x1 y1 ठीक है, फिर t इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन आ जाएगा। हाँ, x1 plus y by 1 is equal to a square, और line की equation lx plus my equal to n, तो comparison compare कर सकते हैं। ये बात समझ में आती है? Yes sir। ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं, रब करें। Yes sir। Yes sir। ठीक है, फिर दो सर्कल्स आपस में कैसे कैसे रिलेट होते हैं बताओ। सर्कल सर्कल बाहर बाहर होता है। हाँ सर। फिर क्या होता है? टच करते हैं। टच करते हैं। फिर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर इंटरनली टच करते हैं। फिर एकदम अंदर होते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? C1, C2 greater than R1 plus R2. तुम अगर नोट्स देख के बोल रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स देख के सोच के देखो। R1 plus R2. C1, C2 equal to? Mod of R1 minus R2. C1, C2? Less than mod of R1 minus R2. यहाँ पे क्या आएगा? Less. ये बात चमकती है? Yes. यहाँ पे कितने, यहाँ पे कितने आते हैं? डीसीटी टीसीटी दो, डीसीटी दो, टीसीटी डीसीटी कितना आता है? दो। टीसीटी कितना आता है? दो। यहाँ पे दो, डीसीटी दो, टीसीटी एक। क्या होता है डेफिनेशन डीसीटी का? ऐसा कॉमन टेंजेंट such that दोनों सर्कल का सेंटर सेम साइड पे लाई करे, है ना। यहाँ पे डीसीटी कितना है? दो। दो। टीसीटी जीरो। अब तो नोट्स पढ़ के नहीं आया, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। डीसीटी कितना है? एक। टीसीटी कितना है? जीरो। यहाँ पर डीसीटी कितना है? जीरो। टीसीटी कितना है? जीरो। ठीक है, ये जो कॉमन टेंजेंट आया है और ये वाला जो कॉमन टेंजेंट आया है, इन दोनों की इक्वेशन मैंने लिखवाई थी ना, एस माइनस एस प्राइम जीरो, और इसका भी इक्वेशन क्या है? एस माइनस एस। अरे ध्यान है क्या? यस सर। एनीवेज, आप तो यहां पे आओ पहले। इसमें अगला पार्ट जो था, लेंथ निकालने की बात भी की थी, बताओ याद है लेंथ? Yes. Yes, sir. क्या था भैया DCT? क्या था बताओ, DCT का क्या था लेंथ? C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस की प्लस माइनस माइनस। अरे यही था ना। गड़बड़ कर दिया मैंने, क्या गड़बड़ किया मैंने? यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, तो यहाँ बनाते हैं ना। हाँ, तो ये डीसीटी है ना, तो डीसीटी का स्क्वायर क्या होगा? C1 C2 स्क्वायर माइनस दिया है ना, और टीसीटी में क्या होता है?
C1 C2 का होल स्क्वायर। हाँ बना के देखो C1 C2 का होल स्क्वायर। हाँ माइनस R1 R2। ये बात चमकती है। yes. यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पार्ट था, याद करिए। दोनों सर्कल में कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते थे, याद है? yes, क्या था बोलो? T1 C2 और T1 कोलिनियर होते हैं, और जो T1 होता है वो क्या होता है, एक्सटीरियरली डिवाइड करता है ना C1 C2 को। किस रेशियो में? R1:T1/C2:T1। कितना था? R1:R2। और यहाँ पर C1 T2। बोलो बेटा, T2 C1 कितना आया? R1:R2। इससे करके क्या निकाल लेते हैं? पहले अपन T1 पॉइंट निकाल लेते हैं ना, और यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं? T2 पॉइंट निकाल लेते हैं ना। एक बार जब एक्सटीरियर पॉइंट आ जाता है तो फिर हम लोग टेंजेंट लिख सकते हैं ना, y-that point = m(x-that point), और फिर सेंटर किसी भी सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस करके क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। ध्यान है क्या ये? यस सर। कॉपी करो। बोलो भाई, हो गया क्या? yes. अरे कुछ तो याद आ ही रहा होगा यार, आप लोग को नोट्स पढ़ कराना चाहिए था, ऐसे क्या फायदा है, मैं वही करा रहा हूँ, ठीक है? एनीवेज फाइन, कोई मत पढ़ो, मैं क्या कर सकता हूँ। अभी सर्कल के दो सर्कल जब रहता है तो इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन याद है क्या आई थी? S-S'। ये S0 था और ये S'0 था, तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या आई थी? S-S'=0। अरे ध्यान है क्या? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे एक ज्योमेट्री भी आई थी, याद है? जितना मुझे याद है मैंने एक ज्योमेट्री कराई थी यहाँ पे, याद आ रहा है क्या? ये ज्योमेट्री याद है क्या? कॉमन कॉर्ड परपेंडिकुलर टू C1 C2। कॉमन कॉर्ड परपेंडिकुलर टू C1 C2 हमने प्रूव किया था ना, याद है? इसको कॉन्ग्रुएंट किया, इसको कॉन्ग्रुएंट किया, फिर पूरे को कॉन्ग्रुएंट किया, तो याद है क्या? यस सर। कुछ ऐसा नहीं रहे, कुछ याद नहीं है, तुम लोग ऐसे ही क्लास में बैठने आ गए यार, ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता, बच्चे हो तुम लोग बहुत, ठीक है। आई थॉट सिंसियर हो गए घर में बैठे बैठे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा उम्मीद कर ली, कोई बात नहीं, ठीक है। ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन क्या होती है सर? वो आपने नहीं पढ़ा है।
नहीं पढ़ाया था, ठीक है। ऑर्थोगोनलिटी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया ना? नो सर। तो ठीक है, फाइन। यहां तक ध्यान हो गया? यस सर। डायरेक्टर सर्कल नहीं पढ़ाया है? नो सर। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? हाँ सर। यस सर। ठीक है जी, कोई बात। तो अभी अपन आते हैं, मैं आपको एक नाम लेके काम खत्म करता हूँ ताकि आपके दिमाग में हमेशा बैठे रहे। हैंडसम वन से क्या निकलता है? वी यूज टू फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ टेंजेंट इन कोनिक्स। अभी आप सर्कल पढ़ रहे हो तो आप सर्कल ही दिमाग में बैठा के चलो। क्या मेथड है? लेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बी एक्स वन वाई वन। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? पी इक्वल टू जीरो कंपेयर विथ गिवेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अरे हाँ या ना? पी इक्वल टू जीरो को एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन से कंपेयर करके क्या आ जाएगा आपका? पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है। हैंडसम टू, फाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। आप कैसे लिखते हो? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। नाउ अप्लाई दी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। नाउ अप्लाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो क्या होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सर्कल के केस में? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। और सर्कल सेंटर साथ सब थे ना, सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वल रेडियस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। इक्वल टू रेडियस कितने वर्ड आए? छह आए ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। अरे ये चीज चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, हैंडसम टू नाम इसे दे रहा हूं, कोनिक्स में बहुत काम आता है इसलिए। हैंडसम थ्री, अ कॉर्ड इज गिवन अ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज गिवन। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज गिवन टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड ऑफ कॉर्ड। हमको क्या निकालना है? एक सर्कल दिया है, एक कॉर्ड दिया है, टेंजेंट कहां बनाना है? एट द एंड ऑफ द कॉर्ड। तो कॉर्ड का एंड कहां पे? यहां पर है ना। कॉर्ड का एंड कहां पे? यहां पर है ना। तो ये वाला पॉइंट निकालना है ना। Yes. ऐसे निकालते हैं, लेट पी बी एक्स वन वाई वन। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन वाई वन टी इक्वल टू जीरो ए बी इज, बोलिए टी इक्वल टू जीरो। ए बी का इक्वेशन और क्या है? एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन। दोनों को कंपेयर करेंगे क्या मिल जाएगा? एक्स वन वाई वन। ये बात चमकती है क्या? हैंडसम वन, हैंडसम टू, हैंडसम थ्री क्लियर है क्या? क्लियर है। yes, अरे ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। नोट, आफ्टर अप्लाइंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यू गेट अ क्वाड्रेटिक इन एम जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट्स। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वन वाई वन ऑल्सो प्रेजेंट।
इन इक्वेशन। यहां तक क्लियर है क्या? यस। इसको अच्छे से कॉपी कर लो। सर थोड़ा साइड सर वो नोट के लास्ट लाइन में क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन X1, Y1 also present in equation. सर थोड़ा साइड हो गया सर। नहीं सर सर वो नोट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद क्या लिखा सर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 आल्सो प्रेजेंट इन द इक्वेशन। ओके रब करें। नहीं सर लास्ट पार्ट।
बोलो। हाँ सर हो गया। ठीक है डायरेक्टर सर्कल इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है द लोकस कम्स आउट टू बी अ कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर। कंसेंट्रिक सर्कल हुज रेडियस इज रूट टू टाइम्स the original circle। कितना क्लियर है? आओ देखते हैं। बताओ जो डायरेक्टर सर्कल कैसे पॉइंट्स का लोकस है। डायरेक्टर सर्कल कैसे पॉइंट्स का लोकस है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर। तो क्या करेंगे अपन? बनाएंगे क्या? बनाएंगे परपेंडिकुलर टेंजेंट बनाओगे ना? हम लोग को इसी पॉइंट का लोकस चाहिए ना। यस यस सर। कैसे निकालें बताओ? पहला काम सेंटर बना दें। यस सेंटर बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं। अगला काम क्या करना चाहिए हमेशा? रेडियस परपेंडिकुलर। ये कितना? ये क्या है? 90। ये क्या है? 90। ये क्या है? 90। ये क्या है? ए। ये क्या है? ए। ए। अब बताओ स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बन जाएगा तो सेंटर से डिस्टेंस क्या आएगी? बोलो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट। अरे पाइथागोरस लगा दो ना। ये एच स्क्वायर, ये भी ए है तो ये भी तो ए ही हो जाएगा। अगर ये है दैट इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा? ए ना। ए। तो लगा दो पाइथागोरस क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या आ गया लोकस? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू ए। मैंने छोटे वाले के लिए प्रूफ किया, लेकिन कोई भी चीज छोटे वाले के लिए प्रूफ करो वो हमेशा बड़े वाले के लिए होल्ड करेगी ना यार। ऑब्वियसली डन है ना ये बात? ये बात चमकती है। तो डायरेक्टर सर्कल इज अ कंसेंट्रिक सर्कल whose center is root 2 whose radius is root 2 times अच्छा तो इसका मतलब क्या निकला कि डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाएंगे सर्कल पे तो रेडियस क्या होगा? डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से अपन टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes. अगर डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो जरा। तुम लोगों को क्या लगा कि सर पूरा पढ़ाएंगे? तुम्हें पढ़ के नहीं आया ना शीट को? सॉरी नोट्स पढ़ के नहीं आया ना? सर पढ़ा था। सब पढ़े थे रे? सब पढ़ा है लेकिन ऐसे फील नहीं आ रही। अभी सुन के फील आया? नहीं है अभी भी? अभी भी उतना नहीं आया। चल तो फील के लिए हम क्या करेंगे बताओ? हैं
कॉपी करो। अच्छा एक और चीज थी वो छूट लिख पाए, सर्कल के कॉर्ड का, ठीक है कॉपी कर लो इसको। वो फील क्या नहीं आ रहा इसमें सर्कल में, तो सब कुछ ज्योमेट्री से करते, इसमें फील क्या नहीं आ रहा तुमको? सर मतलब आप समझ नहीं रहे। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ ऑब्वियसली, इसमें फील कैसे लग, सर्कल में तो, सर्कल तो मतलब बहुत ही सिंपल चैप्टर लगता है मुझे, कई बार तो लगता है बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन बनाओगे तो फील आएगा। एग्जांपल 17 बना के आई हो, आज नहीं बना के आई हो? हाँ सर वो भी बना है मैंने, 18 भी बनाया लेकिन फिर भी मुझे फील नहीं है। क्वेश्चन बनाया फील पे क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं रिवाइज करना भूल गया, सर्कल के कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया रहता है तो इक्वेशन क्या होती है बोलो? पी इक्वल टू एस वन, ध्यान है क्या? अरे हेलो, यस सर। अरे ये लिखवाया था नहीं लिखवाया था? नहीं सर लिखवाने जरूरत ही नहीं है बे, क्यों लिखवाऊंगा पागल हूं मैं? सर्कल का सेंटर मालूम है, सेंटर से परपेंडिकुलर हो गया, इसका स्लोप मालूम है, इसका स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, तो सर्कल के कॉर्ड का इक्वेशन आ गया ना बे। हाँ सर। हाँ सर क्यों लिखवाऊंगा, ठीक है। एनीवेज एक काम करो, जो वो जो लिंक पे जो जो वो क्या बोलते हैं, हाँ जो शीट है ना, शीट के पेज नंबर 10 तक ना जो भी सॉल्व क्वेश्चन है और एसपीपी हैं वो जरा रात में कर लो, ठीक है। कल सुबह मैं क्लास रख लेता हूँ 7:30 से। सर हमारा स्कूल चालू हो गया फिर से। कौन से स्कूल पे? सर केवी। अरे पागल है क्या केवी वाले, और कल तो शनिवार है बे। है सर कल छुट्टी नहीं है? छुट्टी मान लूंगा मैं, छुट्टी मान लूंगा, नहीं बता रहा हूँ आपको यार, कल दिन भर ना जेपीएन सर के साथ जाना है यार, अंधेरी जाना है हमको सर के साथ, तो मैं छुट्टी मान लूंगा। हाँ मुझे मालूम नहीं है मैं शाम को कितने बजे लौटूंगा, अंधेरी जाना है, बोरीवली जाना है, विरार जाना है। 7:30 AM पे हो जाएगा, 11 बजे अंधेरी पहुंचना है, 9 बजे निकलना है, ठीक है थोड़ा लेट कर लेते हैं, 9:30 निकलेंगे तो काम हो जाएगा, 8 कर लेते हैं, 8 AM। ओके सर। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। पेज नंबर 10 तक, पेज नंबर 10 तक सॉल्व क्वेश्चन एसपीपी कल मैं डिस्कस करूंगा। यह एक काम करते हैं ना, तभी क्यों परेशान होना है, रात में कर लेंगे यार, सुबह क्यों मरोगे फालतू, रात में कर लेंगे, ठीक है। Yes, रात में 8:30, रात में 8:30 पे कर लेंगे, सुबह क्यों मरे फालतू। ओके सर, ठीक है, क्योंकि पेज नंबर 10 तक 19 सॉल्व क्वेश्चन भी है और 20 एसपीपी भी है, एक बार करके देखो थोड़ी फील आएगी शायद। सर्कल को ना ज्योमेट्रिकली बना बना के देखो, ठीक है हो गया इतना, डायरेक्टर सर्कल को आपने कर लिया? यस चलो भाई डीपीपी निपटाया जाए आपका। अपन ना मैं तो सोचा था स्ट्रेट लाइन सर्कल की डीपीपी आ गया, ऐसी डीपीपी फंसाई ना इसने उन्होंने बीटी और पीएनसी की, मैं इरिटेट हो गया। और मुझे ये भी मालूम नहीं है तुम लोग को बीटी पीएनसी से क्वेश्चन अभी भी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। बोल तो दो यार कम से कम मुझे खुश करने के लिए, हम बन रहे हैं सर। क्या सर? डीपी कौन सी है बताओ? B25 है ना? हाँ सर। बोलो कितना है इसमें, 27 तक 28 तक है? 27 तक। कल 27 तक खत्म कर देंगे, ठीक है, कल दो करके खत्म करेंगे ताकि नए वीक में नया सेट स्टार्ट करें। तो बोलो B25 फर्स्ट 9:30 हो गए ना? हाँ हो गए, पहला वाला नंबर ऑफ 8 डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है, 3 स्टूडेंट में बांटना है, इफ ईच स्टूडेंट रिसीव्स एटलीस्ट 2 तो क्या क्या केस बनेगा ये बताओ, केस क्या क्या बनेगा, सबको दो दो बुक देना है ना, तो केस क्या क्या बनेगा बताओ,
स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, क्या केस बनेगा बोलो? थ्री थ्री टू, हाँ बोलो, टू टू फोर, फोर टू टू, और कुछ पॉसिबल है? इन दोनों के पहले मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं ना, बुक्स का ग्रुपिंग, इन दोनों ग्रुपिंग के अलावा कोई और ग्रुपिंग पॉसिबल है क्या? कम ऑन गाइज, इसमें तो थोड़ा जोश दिखाओ, ये तो आना चाहिए ना, ये तो बहुत दिन से हम लोग यही कर रहे हैं। अब तो ये जो आठ बुक्स है इसका यही ग्रुपिंग पॉसिबल है ना? हाँ या ना? तो ग्रुपिंग कर दो। पहले वाले ग्रुपिंग क्या होगा बोलो? एट फैक्ट, बताया था ना मैंने शॉर्टकट तरीका, एट फैक्ट, थ्री फैक्ट, टू फैक्ट और एक और टू फैक्ट। ये टू फैक्ट किसके लिए? दो बुक्स, दो रिपीट, ग्रुप रिपीट। अरे ये बात चमकती है क्या? Yes. फिर यहाँ बताओ, फोर फैक्ट, टू फैक्ट, टू फैक्ट और एक और टू फैक्ट। ये टू फैक्ट किसके लिए? दो दो बार। तो अब मैंने क्या कर दिया, मैंने बंडल्स बना दिए ना? यस सर। किसको बांटना है? राम श्याम घनश्याम को? यस सर। क्या हो जाएगा? इनटू थ्री फैक्ट, इनटू थ्री फैक्ट। चमका? यस। नेक्स्ट बोलो। अच्छा आप लोग को अभी तक मैंने ग्रिड प्रॉब्लम कराया कि नहीं कराया? पीएलसी में अभी तक आया कि नहीं है ग्रिड प्रॉब्लम? मतलब ग्रिड प्रॉब्लम, मतलब ग्रिड प्रॉब्लम बोला होगा मैंने क्लास में, ग्रिड तो किसी डीपीपी में आया है कि नहीं आया अभी तक? नहीं आया शायद। नो सर। ठीक है, जब करें इसको। यस। हाँ नेक्स्ट बोलो। थर्ड में मेरे को आंसर नहीं है। सर सेकंड। द टेन बी द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन such that 0 is a solution of each equation. तो quadratic तो बेटा ऐसी होनी पड़ेगी ना, अगर 0 solution है तो। Yes sir. और अगर quadratic है तो A cannot be 0. So how many options do you have for A? 9 options. And for B how many options do you have? 10 options. You have 90 as the answer. ठीक है, next बोलो। थर्ड इज अ गुड क्वेश्चन, थर्ड इज अ गुड क्वेश्चन। तो वी विल डू दिस एक्स क्यूब। नाउ आपने वाई क्यूब दिया, थ्री वाई क्यूब। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालने का है, मेरे को ओ ए ओ बी, देखो कैसा है, सिंपल सी बात है, ये कैसा भी कर्व होगा मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है? अरे हाँ या ना बे, है ना? तो सिंपल सी बात है कि मैं क्या कर दूंगा, मैं ऐसा कर मान के चल लिया, यही निकालना है ना मुझे? हाँ सर। ओरिजिन शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, यही निकालना है ना मुझे, ओ ए ओ बी ओ सी। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो ओ ए जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, एक्स वन कॉमा एक्स वन होगा ना, ओ बी पॉइंट क्या होगा, एक्स टू कॉमा एक्स टू, और ओ सी क्या होगा, अरे हाँ या ना? तो ओ ए ओ बी ओ सी क्या, थर्ड वाला पॉइंट एक्स थ्री कॉमा एक्स थ्री हो। हाँ तो ओ ए ओ बी ओ सी कितना होगा बताओ, रूट टू एक्स वन, रूट टू एक्स टू, रूट टू एक्स। तो मेरे को क्या चाहिए, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का इसका रूट चाहिए ना, क्यूबिक प्रोडक्ट रूट डाल दो इसमें तो क्या आ जाएगा, क्यूबिक आया क्या? Yes. बाबा क्यूबिक आया क्या? Yes.
तो इस क्यूबिक के रूट्स क्या होंगे? x1, x2, x3. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लोगे? हाँ सर समझा. आगे बोलो. कॉपी कर रहे हैं. सर आप थोड़ा पीछे सब. नहीं कल तुम दो डीपी कैसे करोगे? शीट भी तो करना है. एक ही डीपी करेगा दो काम. कर लिए भाई? हाँ सर. नेक्स्ट बोलिए सर. फिफ्थ का डी ऑप्शन. हाँ फिफ्थ का आपका कौन सा ऑप्शन आ गया? ए ऑप्शन आ गया है. हाँ सर. हाँ सर. सर्कल तो सर्कल खोल लिया. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ट्रायंगल. हाँ तो ये है ना आपका. ठीक है तो सर्कल दिया एंड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी. तो ए पॉइंट क्या बोलो? एक्स वन कॉमा एक्स वन टेन अल्फा. ठीक है. बी पॉइंट क्या है? एक्स टू कॉमा एक्स टू टेन. हाँ और एक्स थ्री पॉइंट क्या है? ओके okay. आपने इस ट्रायंगल को बना लिया सर्कम सर्कल. आपसे क्या पूछा है? ए बाय बी. आपने 2:1 लगा दिया होगा है ना? Yes. आपका ऑप्शन ए ऐसे ही आया होगा ना 2:1 लगा के? ठीक है. अभी आपको ऑप्शन डी नहीं आ रहा. मैं आपके ऑप्शन वन से ही कर देता हूँ. ठीक है क्या आ गया? एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री. अच्छा ये बताओ ये तीनों पॉइंट सर्कल पे है ये तुमने कहाँ यूज किया अभी तक? यूज किया क्या? थोड़ा बहुत यूज किया. ठीक है चलो तो ये तीनों पॉइंट अगर सर्कल पे हैं तो इन सबका डिस्टेंस यहां से क्या होगा? इक्वल होगा. आर आर होगा ना. तो आर स्क्वायर क्या होगा बोलो? एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा. तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? एक्स वन सेक अल्फा. तो आर वन की वैल्यू, आर वैल्यू कितनी आ गई बोलो? एक्स वन सेक अल्फा. x1 कितना आ गया बोलो? r cos अल्फा ना. अल्फा अरे चमका. यस तो डाल दो यहाँ पे r cos अल्फा. कॉमन सेंस से x2 कितना आएगा? r cos बीटा. x3 कितना आएगा? r cos गामा. और नीचे में x1 r cos अल्फा कट जाएगा ना. यस sin अल्फा cos जो भी है. हाँ जो भी है निकल जाएगा ना. क्या बोलोगे ना यार समझा? Yes, sir, हो चुका है. आप लोग ये मिस कर गए थे. ठीक है नेक्स्ट बोलो. सर वो सिक्स्थ क्वेश्चन गलत है. हाँ गलत है ना. लाइन पैरेलल है पर बी सी ऑप्शन डी. तो गलत है ना. तुम हम ऑप्शन के हिसाब से हम थोड़ा सही कर लेंगे. वो जो x प्लस वाई जीरो है ना वो x प्लस वाई जीरो की जगह होना चाहिए था x माइनस वाई जीरो. अगर क्वेश्चन ये रहता ना x प्लस वाई इक्वल टू वन. देखो ध्यान से 7y equal to x और x minus y equal to 0. अब क्वेश्चन सही रहता. अब क्या बन जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल. क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर है ना. और राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है? आज भी किसी बच्चे ने डॉट पूछा था. वेदांत के ने पूछा था राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है? यहाँ पर ना. यस सर. है ना. और राइट एंगल ट्राइंगल का ये क्या होता है? सर्कम सेंटर. हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट. और ये क्या होता है? ऑर्थो सेंटर. और तो अगर ओ यहाँ पे है सी यहाँ पर है तो सेंट्रॉइड तो अंदर ही आता है हमेशा. कोई डाउट ही नहीं है. यस सर. और इन सेंटर कहाँ आता है? हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही आता है. डाउट ही नहीं है. तो आई और जी अंदर रहेगा ना. ओ कहाँ हुआ? ट्राइंगल के पर. और सर्कम सेंटर कहाँ हुआ? ट्राइंगल के ऊपर. ये बात चमकी? यस सर.
चलो नेक्स्ट बोलो एट में एन इक्वल टू आर सेवेंथ वाला हो गया सेवेंथ जैसा एक क्वेश्चन और आया था ना आप लोग में याद है आई डोंट रिमेम्बर श्रेया को याद है श्रेया सेवेंथ जैसा क्वेश्चन इलेवेंथ के डीपीपी में आया था ट्वेल्थ के डीपीपी में आया था तो याद नहीं बट डीपीपी में आया था ये याद है सेवेंथ जैसा क्वेश्चन उसमें कैसा था उसमें सब कुछ ऊपर में दिया हुआ था याद आ रहा है तुम लोग को ऐसा था वन टू यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था ना टू एन प्लस याद नहीं आ रहा ऐसा था तो हम लोगों ने दो टर्म में ब्रेक किया था किसमें था ये क्वेश्चन जूनागढ़ को याद होगा क्लास में बता सकता है इलेवेंथ में था कि ट्वेल्थ में था सर इलेवेंथ में था ना इलेवेंथ में था तो फिर याद है कराया था ना वो क्वेश्चन तो सेम उसी कंसेप्ट होगा ये ऐसा क्वेश्चन तो आपको कराया नहीं है इसमें क्या हो रहा है डिनोमिनेटर में भी टर्म्स वेरी कर रहे हैं ना और तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं एक ही तरीका मालूम है मेथड ऑफ डिफरेंस इसके पहले टर्म क्या रहा होगा टू आर माइनस वन है ना इसको कैसे दो टर्म में स्प्लिट करोगे बोलो वन बाई टू आर कर दो अब बताओ मुझे याद आ रहा है थी ये और ये कट गया तो क्या आया वन थ्री फाइव अप टिल टू आर माइनस वन और माइनस वन थ्री फाइव सेवन अप टिल टू आर प्लस वन क्लियर है क्या तो ये आपका क्या बन गया एक्सप्रेशन हमने पहले भी बात करी हुई है सर जूनागढ़ क्लास में नहीं आया लग रहा है अगर ये f of r है तो ये क्या होगा f of r plus 1 ये बात ध्यान आ रही है yes. जो क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया आपको कैसा पढ़ाया गया है नीचे में कांस्टेंट टर्म्स जब भी ऐसे क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आया था ना इलेवेंथ में 10 दिन के अंदर ही डिस्कस किया है आपको दिमाग में होना चाहिए क्वेश्चन उसमें क्या किया था वो क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए था नेक्स्ट बोलो एट वाला सर रब करूं मैं सेवन वाले को एट वाला क्वेश्चन इलेवेंथ वाले नोट्स में ही कॉपी कर लेंगे आई थिंक क्वेश्चन कराया था कैसा ना आशा कराया हम लोगों ने पी ले लिया था हम लोगों ने आई प्लस एफ लिया था मेरे ख्याल से कराया था ठीक है एफ इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन और थ्री देन द वैल्यू ऑफ थ्री माइनस थ्री रूट थ्री माइनस एफ जो भी निकालना है थ्री रूट थ्री माइनस एफ माइनस फाइव की पावर एन की वैल्यू को हम लोग क्या मानते हैं हाँ तो अभी थ्री रूट थ्री प्लस फाइव थ्री रूट थ्री माइनस एन ट्वेल्थ वालों शायद आपका मिस हुआ होगा या आर फेज आपका मिस हुआ होगा देख लो कहीं ना कहीं तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आती है बताओ टू आती है ठीक है तो थ्री रूट थ्री माइनस फाइव कितना आया 2 बाई थ्री रूट थ्री प्लस फाइव आया है ना तो ये वैल्यू जो है 1 से छोटी है कि नहीं ये बताओ ऑब्वियसली yes, छोटी है तो मैं लोग अपन इसको f प्राइम मान सकते हैं ना yes. ये वैल्यू तो गारंटी 0 से छोटी और 1 से छोटी है ना मैंने f प्राइम माना f प्राइम कहां से कहां है 0 से 1 यहां पे f कहां से कहां है 0 से 1 अब हम लोग क्या करते थे बताओ अपन i प्लस एफ लिख के इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करते थे ना यस सर बोल तो बोलो यार n थक गया यार ऐसे ही थकाते n c नॉट 3 की पावर n प्लस n c 1 3 रूट 3 n माइनस 1 5 और फिर f प्राइम लिखते थे है ना क्या आएगा n c नॉट 3 रूट 3 अब बताओ हम लोग क्या करते थे ऐसा एल्जेब्रिकल मैनिपुलेशन सच दैट इरेशनल टर्म्स irrational terms कट जाए है ना yes, sir. अरे ये बात चमकती है क्या yes. n पे कुछ दिया नहीं है क्या n even एक odd है no, sir. हम लोग तो डिपेंड करेगा ना अगर n even होगा no, तो क्या करना पड़ेगा हाँ अगर n even होगा तो add करोगे subtract करोगे बताओ तो श्रेया करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्यों क्योंकि ये रैशनल बन गया ना
हाँ सर सब्रैक्ट करेंगे अगर n इवन है तो ऐड करेंगे ना तो क्या बन जाएगा बताओ ट्वाइस एन सी नॉट थ्री रूट थ्री की पावर n प्लस सारे टर्म्स कैसे आ गए सारे टर्म्स रैशनल 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 हेलो भाई ठीक है अभी ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है ध्यान आ रहा है क्या ये इंटीजर है ये भी क्या है इंटीजर है आर फेस प्लीज ध्यान से देख लो जो भी आर फेस के हो एफ प्लस एफ प्राइम को क्या होना पड़ेगा दैट मीन्स इंटीजर अभी एफ प्लस एफ प्राइम कहां से कहां है जीरो से टू है ना दैट इंप्लाइज एफ प्लस एफ प्राइम को क्या होना पड़ेगा वन अरे इतना क्लियर है yes, अगर एन इज ऑड अगर एन इज ऑड अब देखो ना अगर एफ प्लस एफ प्राइम ऑड आया वन आया इसका मतलब क्या आया बोलो आई प्लस वन इज इक्वल टू टू इंटू इंटीजर टू इंटू सम इंटीजर दैट इंप्लाइज आई कैसा आया ऑड आया ना अरे टू इंटू इंटीजर इवन होगा इवन माइनस वन क्या होगा ऑड होगा ना हाँ सर एन इवन पे क्या होगा इवन पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐड करेंगे सॉरी ऑड पे क्या करेंगे ऑड पे सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे एफ माइनस एफ प्राइम क्या बचेगा टू इंटू एन सी वन एन ऑड है ना तब ये सब टर्म्स कैसे बन जाएंगे इवन है ना नाउ अगेन एफ माइनस एफ प्राइम की रेंज क्या आएगी बताओ एफ माइनस एफ प्राइम कहां से कहां लाई कर रहा है माइनस वन से जीरो एफ कहां से कहां लाई कर रहा है जीरो से वन इनइक्वालिटी कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हमेशा ऐड करते हैं तो माइनस वन से वन ये बात चमकती है लॉजिक लॉजिक बताओ लॉजिक ये क्या है इंटीजर ये क्या है इंटीजर तो दैट इंप्लाइज क्या हो गया बताओ इन दोनों से क्या इंप्लाई आया एफ माइनस एफ प्राइम भी क्या होगा इंटीजर तो इंटीजर इसमें इंटीजर की वैल्यू क्या पॉसिबल है ओनली जीरो no. Only zero is possible here. ये क्लियर है क्या हाँ सर दैट इंप्लाइज वॉट यहाँ पे इफ यू हैव गॉट एन इवन नंबर नियर यू हैव जीरो हियर यहाँ पे इफ यू हैव एन इवन नंबर हियर यू हैव जीरो देन व्हाट इज आई हियर इवन नंबर इवन ये क्लियर है क्या आर फेज आप स्पेशली इस क्वेश्चन को ध्यान रखो मल्टीपल चॉइस के लिए ट्वेल्थ वालों स्पेशली ध्यान रखो ठीक है यहाँ पे एन पे डिपेंडेंट चीजें आ गई क्वेश्चन में लॉजिक क्या था कि हम लोग एन पे डिपेंडिंग करते हैं ना हमारा एम क्या रहता है इरेशनल टर्म्स को कैंसिल करना इलेवेंथ के बच्चों आप लोग इसको बस कॉपी कर लो अपनी कॉपी में ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए आप बस एक लाइन याद रखो सर ने क्या बताया हम लोग का एम क्या है ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना डिपेंडिंग रैशनल टर्म चाहिए हमें ये बात चमकती है क्या सभी को तलवार डीबी फिर से पूरी पीएनसी है यार ये तो मतलब तंग आ गया मैं पीएनसी से एक्चुअली तंग आ गया यार सच्ची में अजब ही है ठीक है नहीं नहीं एक डीपी ना अच्छी है इसमें ना एक पीएनसी अरे ना सर आप थोड़ा पीछे हो सकते हैं अरे एक ले रहे क्या यस सर ठीक है मेरे इलेवेंथ के बच्चों सर लिख रहे हाँ आज ट्राई किया किसी ने कॉम्प्लेक्स वाला ट्वेल्थ वालों छोड़ के रखते हो परसों के लिए ट्राई किए स्टार्ट किए एक घंटा दिया एक घंटे में कितने बना पाए 15 12 13 हुए
एक घंटे में 12-13 हुए हैं सर, मतलब बन रहे हैं पर टाइम लगा स्टार्टिंग में थोड़ा। ठीक है श्रेया तुम्हारा? मेरे 40 बने बट टाइम शायद 2 to 2.5 फर्स्ट लगे। नहीं एक घंटे में कल बचा हुआ एक घंटे का इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, बहुत टफ थोड़ा था, सिंपल सिंपल डायरेक्ट था, कुछ नहीं था। सब पता नहीं टाइम लग रहा है कॉम्प्लेक्स में। थोड़ा टाइम लगता है तभी बने, वही तो मुझे कल ध्यान आया ना ये ट्रिक कि पहले सिंपल क्वेश्चंस करा देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है टाइम तो लगता ही ना, वो फील का ही सवाल है ना, उसको एक बार फील आने का सवाल है। अब करें क्या? Yes, अब करें ना बेटा। Yes. ठीक है तो कल मैं 11th वालों के लिए 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है आप कल सॉल्व करके लाना। साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 5, सब में आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है साइन एक्स फ्रैक्शनल एक्स इज इक्वल्स फ्रैक्शनल एक्स इक्वल्स टू लॉग ये 6 क्वेश्चन दिया है मैंने 11th के लिए। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? लग रहा है बनेगा, क्या लग रहा है नहीं बनेगा? बनेगा। कैसे करोगे? चलो पहला क्वेश्चन कैसे करोगे? ग्राफ्स। बढ़िया ग्राफ से। ठीक है 5 मिनट बचा हुआ है ना आपका, तो ग्राफ से मैं पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। ग्राफ से कैसे करोगे? वो साइन का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे जिस पॉइंट पे, साइन का ग्राफ बनाएंगे। बना दिए अब आप तो कोई एग्जैक्ट ग्राफ तो बना नहीं पाते हो, तो कैसे करते हैं फिर? x by 5 का ग्राफ बनाएंगे, how will we find कि कहां पे क्रॉस कर रहा है ग्राफ को? Equal to 1, very good. बाउंड्री का होता है उस पर खोजते हैं। तो x by 5 पहली बार 1 कब होगा? 5 पे ना। ये वैल्यू क्या है? 2π। 2π कितना होता है? 6.28। ये कितना है? 3.14। इसकी वैल्यू 1 कब होगी? 5 पे। ये बात चमकती है? Yes, sir. तो ये ग्राफ तो यहाँ निकल जाएगा है ना। ये वैल्यू कितनी है? -6.28। यहाँ पे कितना है? -5 है ना। यहाँ पे वैल्यू आएगी नहीं आएगी? फाइनली आएगी ना वैल्यू यहाँ पर, तो भाई यहाँ आया ना है ना। ये अपना बाउंड्री है ना, किसका, किस चीज का बाउंड्री है?
साइन एक्स का. हाँ तो कितने सॉल्यूशन आए, एक दो तीन. ये बात चमकती है, जब भी दो अजीबोगरीब क्वेश्चंस रहते हैं दोनों साइड, तो हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कैसे निकालते हैं, ग्राफ 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 से. ये बात चमकती है, ठीक है. ये छह क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, कल डिस्कस कर लेंगे इसको. सर कल 8:30 को रात को होगा ना क्लास, क्या करना क्या 8:30 में? सर्कल का पहले की 10 पेजेस. सर्कल का है, हाँ सर्कल का ये छह क्वेश्चन. हाँ चलेगा, ठीक है. रात को ना? हाँ 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 रात को. ठीक है. Yes, आपने कॉपी कर लिया? Yes, sir. वो चैप्टर 3 पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ रहे हो अभी तक? खत्म चैप्टर 2 जो भी है खत्म हो गया, पढ़ रहे हो? पढ़ रहा है. उसमें मॉड वाला पार्ट हो गया, मॉड वाला पार्ट भी चल रहा है. मॉड वाला हो गया. ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट हुआ? उसमें थोड़ा सा बचा. खत्म कर लो यार, खत्म कर लो उसको, ठीक है. हाँ. जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना कैलकुलस में आसानी रहेगी. रब करें? यस. बोलो भाई. यस. अरे 11th वालों कॉपी कर लिया ना आपने? हाँ सर कर लिया. चलो फिर जाओ, फिर 12th वालों अपना डीपी निकालो भाई. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 12th वालों, मुतासिम तुम तो आए नहीं थे 11th वाले डीपीपी में. सर मैं खाली 12th के कर रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से. भाई क्यों? सर आपने जब से बोला कि अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर रहने दो, तो तब से मैं 12th. सर टाइम कम मिलता है फिर बाकी सब्जेक्ट. अच्छा ऐसा है क्या? बट तेरे को तो मेनली मैथ्स में ही दिक्कत है, तेरे मैथ्स में तो कम आ रहे हैं बेटा. अभी सात क्लास अपन जो 7 डीपीपी मैंने, तो इसलिए 11th की डीपीपी मैंने एक एक कर दी थी ना, 2 की जगह एक एक कर दी मैंने 7 दिन से. तुम लोग तो कम किया था, एक एक तो कर सकते हो. 12th की फिर 2 कर देना सर. 12th की 2 कहाँ की है? क्योंकि तो कही है 12th की 2 रखी है ना आपने. नहीं एक एक ही है. एक ही है, ठीक है. हाँ एक ही रखी है, बिकॉज 11th में कैसा है ना, ये जिनका 20 सेट आया ना डीपीपी का, वो पीएनसी और बाइनोमियल का भरमार कर दिया. ठीक है मैं मानता हूँ पीएनसी नहीं बनेगा एग्जाम में तुमसे, बट बाइनोमियल बनेगा, ठीक है. और पीएनसी को यूज करके हम प्रोबेबिलिटी बनाएंगे, इसलिए मैं 4 अथक कर लो, एटलीस्ट सी सेट कर लेना उसका मुतासिम, ठीक है. सी में मेरे ख्याल से सर्कल स्ट्रेट लाइन आएगा ना बस. हाँ सर ठीक है, तो कर लो एक एक डीपीपी है ना बस सब. तो और कॉलेज का तो होमवर्क हो ही गया. हाँ सी सेट भी है सर, मतलब बी सेट तक ही था ना. नहीं नहीं 11th में तो सी भी होगा ना, उनका स्ट्रेट लाइन सर्कल सब बचा है भाई. ठीक है चलो B8. आंसर. अरे यार तुम्हें किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है ना जो आंसर दे दे अपना ग्रुप पे, मतलब सोच के. उफ, B8 का आंसर पहला का सी, दूसरा ए, तीसरा ये फिर से अजीबोगरीब चीज शुरू हो गई इसमें लग रहा है देखने में, तीसरे का ए, चौथे का सी, पांचवे का ए, छठे का ए और सी, सातवें का क्या है, सातवें में क्या करना है सर? प्रूफ करना है. अच्छा प्रूफ करना है. आठवें का फाइंड द मैक्सिमम एरिया, 4√3/9 है, ठीक है. सो डाउट्स बोलो. फर्स्ट फर्स्ट अरे बाप रे फर्स्ट वाला ही आ गया, क्या है. अच्छा एसओटी का है पूरा.
ठीक है ए बी सी क्या क्या दिया है साइड्स का लेंथ साइड्स का लेंथ दिया हुआ है ये ए डी है ये बी ई है और ये सी एफ है ठीक है हाँ सर तो एच है ये तो एच बी एच सी बी सी बाई ट्राइंगल एच बी सी का एरिया एम बाई रूट एन है बेटा इसमें क्या दिक्कत आ गई श्रेया सबको क्या एच बी कितना होता है बताओ ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस किसी भी वर्टेक्स से क्या होता है 2r cos b जो भी वर्टेक्स होता है एच सी क्या होगा 2r cos c बी सी क्या होगा 5 दिया BC को BC लिख लो फिलहाल ठीक है ट्रायंगल HBC का एरिया कितना होगा हाफ HD इनटू BC हाफ HB अच्छा HB तो कट गया फिर तो HB इनटू HC भी कट गया HB इनटू BC अरे नहीं मैं वैसे नहीं कर रहा मैं उससे कर दूं ताकि मेरा ये कट जाए HB HC sin H HB HC है ना और ये वाला sin एंगल चाहिए ना sin ऑफ H ठीक है तो ये मेरा एच बी एस सी कट जाएगा ना पूरा अच्छे से ये बात चमकती है मैं क्या किया हाँ सर तो 2BC बाई साइन एच ठीक है अब साइन एच कितना होता है मालूम है ये एंगल अरे भाई ये एंगल मालूम है कि नहीं मालूम है बताओ मुझे हाउ मच इज दिस एंगल सी श्रेया क्या बेटा ज्योमेट्री ये एंगल 90 है ना ये एंगल सी है ना बेटा तो ये एंगल कितना है पाई बाई टू माइनस सी है ये एंगल कितना है सी है तो ये एंगल कितना है सी है ये बात चमकती है हाँ सर ऐसे ही ये वाला एंगल आपका कितना है पाई बाई टू माइनस बी है ये है तो ये आपका कितना है बी है ये कितना आ गया बी आ गया ना बी यहाँ पे साइन एच की जगह क्या लिखा हुआ है बोलो तो अभी क्या लिखा है 2BC by sin B plus C. Sin B plus C कितना हो गया sin A ठीक है और BC कितना है A अरे चमक रहा है क्या कुछ भी हाँ सर तो कुछ का कुछ भी हो गया ना तो A by sin A आ गया है तो A by sin A तो 2R होता है ना कुछ तो हाँ लेकिन उसकी चाहिए क्या मुझे मैं भूल ही गया अच्छा सॉरी मेरे को आंसर निकालना है ना मैं भूल गया था तो अपने पास A का वैल्यू कितना दिया हुआ है एबीसी में हम साइड का लेंथ कैसे मानेंगे 3 5 और 6 दिया है ना तो 5 है ना 5 होगा ना डीसी 5 क्यों होगा ऑर्डर में लिया तो 5 ही मान लेते हैं ठीक है तो ए 5 है फिर बी को क्या मान लें अंतर नहीं पड़ता ना बी कितना है 3 और सी को 6 मान लेते हैं तो अंतर पड़ता है क्या नहीं पड़ता ना कितना आ जाएगा 2 10 आ जाएगा और साइन ए निकालना है साइन ए कैसे निकालोगे कॉस ए निकाल लो कॉस ए कितना होगा बोलो कॉस ए क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2BC अरे श्रेया ठीक है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आएगा बताओ अरे हो जाएगा ना कॉस ए साइन ए आ जाएगा ना अभी हाँ सर क्लियर है हाँ सर नेक्स्ट बोलो सेकंड वाला कॉपी करना है क्या इसको हाँ सर एक मिनट हाँ सर एक मिनट ठीक है
सेकेंड क्वेश्चन में क्या समस्या है बताओ सर? दो इक्वेशन मिले और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, दोनों का डिस्क्रिमिनेंट बराबर है जी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस फोर ए क्यू, यहां तक क्लियर है? अब मुझे बताओ अल्फा दोनों का रूट है कि दोनों इक्वेशन के बराबरी करने पे अल्फा रूट है? बराबरी करने पे रूट है, ये बात चमकती है? हाँ, तो x पे अल्फा डाल दो। हाँ, तो अल्फा कट जाएगा तुम्हारा, a वाला टर्म कट जाएगा, हाँ, है ना, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू a अल्फा स्क्वायर प्लस p अल्फा प्लस q, ये कट गया, सॉर्ट ऑफ कॉमन रूट ही तो आ गया, कॉमन रूट नहीं आया क्या ये? नहीं ना, कुछ तो वैसा ही आ गया ना, ये तो जीरो आना जरूरी नहीं है ना? हाँ, जीरो आना जरूरी नहीं है, ये बात सही कह रही है, बट हम कॉमन रूट भी सॉल्व करते तो ऐसे ही आता ना ये तो, b माइनस कॉमन रूट भी करता मैं, मेरे ख्याल से यही आ जाता, पता नहीं ऐसा मुझे लग रहा है, q माइनस सी बाई बी माइनस पी आ गया अल्फा, ठीक है, उसके बाद क्या करना है नहीं समझा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वेट किया वहां से भी एक मिलेगा, हां वहां से, यहां से क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए इंटू क्यू माइनस क्यू माइनस सी, ठीक है, तो b माइनस पी और q माइनस पी माइनस क्यू ना, हाँ माइनस सी माइनस, हाँ 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 सी माइनस क्यू, तो इससे क्या मालूम चल रहा है बताओ, b माइनस पी इंटू बी प्लस पी बाई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू फोर ए, तो q माइनस ये कितना है, माइनस अल्फा आ रहा है, माइनस तो b प्लस सी से कुछ होगा क्या, ये माइनस अल्फा आ गया, 4a आ गया, हाँ, तो b प्लस b बाय 4a इक्वल टू माइनस 1 बाय 4a p b प्लस क्या आ गया, b प्लस p b प्लस p बाय 4a अपॉन माइनस 4a माइनस 1 बाय अपॉन 4a इज इक्वल टू माइनस अल्फा, माइनस अल्फा आया, ठीक है, फिर अब माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस b बाय a और माइनस p बाय a जो है वो सम ऑफ द रूट्स लिखा हुआ है ना, माइनस बी बाई फोर ए और माइनस पी बाई फोर ए, और टू बाहर निकाल ले, टू बाहर निकाल ले, है ना, नहीं फोर मतलब फोर बाहर निकाले, माइनस बी बाई ए जो है वो सम ऑफ रूट्स लिखा हुआ है ना फर्स्ट वाले इक्वेशन का, और दूसरे वाले इक्वेशन का भी सम ऑफ रूट्स लिखा हुआ है, हाँ तो फिर मतलब सबका मतलब अगर पहले वाले इक्वेशन का जो भी रूट्स है उन सबका सम अपॉन फोर आ रहा है ना, तो फिर वो अर्थमेटिक अल्फा वन प्लस बीटा वन प्लस अल्फा टू प्लस बीटा टू बाई फोर इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा एम ऑफ, हाँ चार रूट्स का एम आ गया, करना क्या था इसमें, वही ऑप्शंस को मैच, वही ऑप्शन था सर, अच्छे क्वेश्चन डीपी में अच्छे क्वेश्चन नहीं आ रहे यार, ऐसे ऐसे मैं अपने डीपी बना दूं, ठीक है, मतलब ये तो तुक्केबाजी चल रही है, चलो ठीक है नेक्स्ट बोलो, फोर्थ वाला, ठीक है, आई थिंक भूल गए हो आप लोग, आप लोगों को बीच में पढ़ाया था मैंने, a माइनस ए बी इक्वल टू जीरो का मतलब याद है, भूल चुके हो, ए बी जीरो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, नहीं 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 ए बी इक्वल टू जीरो का मतलब याद है, तीन मतलब था ना श्रेया, याद है क्या, डेट ए नॉन जीरो, डेट ए नॉन जीरो मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, दैट इंप्लाइज क्या आएगा, बी इज जीरो मैट्रिक्स, डेट बी नॉन जीरो, ये बात चमकती है, हाँ सर, भाई इसका मतलब तो यही होता है ना, डेट लगा देंगे डेट ए बी जीरो, इसका मतलब क्या आया, डेट ए इंटू डेट बी इक्वल टू जीरो, अब इसका तीन मतलब होता है ना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आया, b इनवर्स एग्जिस्ट, दैट इंप्लाइज a इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, और डेट a जीरो और डेट b जीरो, बस तो ab इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, इधर ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स और बोथ आर सिंगुलर, हां सिंगुलर, ये बात चमकती है, अब बेटा अगर दिया हुआ है a b c दिया हुआ है आपका, ठीक है, और डेट a इज नॉन जीरो,
डेट ए नॉन जीरो दिया हुआ है ना, डेट ए नॉन जीरो दिया है बेटा, और डेट बी भी नॉन जीरो दिया है, और ये जीरो दिया है, तो अगर डेट ए नॉन जीरो दिया इसका मतलब क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसका मतलब बी सी जीरो हो गया, डेट बी नॉन जीरो है क्या एग्जिस्ट कर रहा है, बी इनवर्स, इनवर्स तो क्या जीरो हो गया, सी जीरो, सी जीरो हो गया, हो गया बेटा। हाँ कंसेप्चुअल पार्ट में थोड़ा सा तुम्हारा फंसा हुआ है, ठीक है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ाया था ना बाद में एक बार, याद है बीच में। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट बोलो। फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला सिंपल है ना, देखो ना, जब भी डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट में जब समेशन लगाते हैं ना, तो जो वेरिएबल रो होता है उसमें समेशन सिंबल को शिफ्ट कर देते हैं, तो नीचे के जो रो टू और रो थ्री वो तो सेम हो जाएगा, ऊपर में टू आर माइनस वन का समेशन, ऊपर में 2R माइनस 1 का समेशन, MCR का समेशन और समेशन 1 कहां से कहां, R इक्वल टू 0 से M, R इक्वल टू 0 से M, R इक्वल टू 0 से M, ये बात चमकती है। हां सर। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा कितना आता है, M स्क्वायर माइनस 1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा 2 की पावर M आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा M प्लस 1 आएगा, तो रो 1 और रो 2 सेम हो गए। और ये क्लियर है क्या सर? सर वो ए बी इक्वल टू जीरो वाले में पहले केस में जैसे सर मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो, मॉड बी इक्वल टू जीरो, वो एक केस क्यों नहीं बन सकता है? कहाँ आया ना, कहाँ नहीं बना है, कहाँ नहीं बना है बोलो, कहाँ नहीं बना है? हमने बी को जीरो मैट्रिक्स बोल दिया ना, मैं बोल रहा हूँ मॉड बी इक्वल टू जीरो। अरे हाँ, तो ऑब्वियसली डेट ए नॉन जीरो, और ये जो केस लिखा है ऑब्वियसली ये लिखा है ऑब्वियस, मॉड बी नॉन, मॉड बी जीरो है ऑब्वियसली, किसने कहा नहीं है, ये सर, है। मैं बोल रहा हूँ मॉड बी जीरो बट बी नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, हमने प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया। आप ये जो चीज आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये उसका एक इम्प्लीकेशन है, आप ये समझो, मैट्रिक्स जीरो है दैट इम्प्लाई डेट जीरो है, डेट जीरो है डज नॉट मीन्स मैट्रिक्स जीरो है, आप इससे सॉल्व थोड़ी कर सकते हो, दिस इज जस्ट गिवेन, यहां पे यूज कर लिया मैंने, क्योंकि सिंस डेट ए इज नॉन जीरो दैट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट, हमने क्या प्रूफ किया कि डेट बी तो जीरो है, लेकिन डेट बी जीरो किसकी वजह से है, कैलकुलेशन की वजह से नहीं है, बी इटसेल्फ इज अ जीरो मैट्रिक्स, उसकी वजह से है, ये बात चमकी? नहीं सर। क्या नहीं सर, बोलो सर, बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है, ये वाला हमने जंप कैसे किया, डेट बी ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ मानते हो, तो अगर a इनवर्स, a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। हाँ सर। तो a इनवर्स इन जीरो कितना होता है, जीरो, a इनवर्स a कितना होता है, i, i इनटू b जीरो, तो b इक्वल टू जीरो। हाँ हाँ ठीक है सर। ये तुम्हारे बैच में नहीं करा था क्या मैंने, आर फेज में सर किया था सर, c0 आ रहा है तो दोनों हो सकता है ना, मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स भी होगा और मतलब जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है। सी इज बड़ी जीरो मैट्रिक्स, इट्स अ जीरो मैट्रिक्स, दैट मींस इट्स सिंगुलर। हां 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 ठीक है। हां सर समझ गए। नेक्स्ट बोलो सर, आपने sir, क्या ये क्वेश्चन में मतलब क्या प्रूव किया कि सी जीरो मैट्रिक्स है? हां सर, फिफ्थ मतलब सर ऐसा वो ऑप्शन में कंफ्यूज होता है कि सी मस्ट बी अ जीरो मैट्रिक्स और सी मस्ट बी सिंगुलर, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। एक मिनट, इसमें आंसर क्या दिया है फोर्थ में? सी सर सिंगुलर आएगा ना, जीरो थोड़ी आएगा, बी उन्होंने हमारा जीरो सिंगुलर दिया। बी बी के बारे में क्या बताया है? अरे यार जीरो सिंगुलर, वही मैं सोच रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा गलत सॉल्व कर दिया, मैंने यहां पर ये लिखा है ना, मैंने ये मान लिया क्वेश्चन में दिया हुआ है डेट बी इज नॉन जीरो, डेट बी जीरो है, आई नीड टू सॉल्व दिस अगेन ना, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया है, ठीक है सॉरी, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था मैंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं, तो वापस लिखना पड़ेगा, ए बी सी जीरो दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया है बोलो, डेट ए इज नॉन जीरो, ओके, और क्या दिया है, बी बी जीरो, डेट बी जीरो एंड B हाँ ये है ना, डेट ए नॉन जीरो है, बात खत्म करो सीधा,
डेट ए नॉन जीरो ना, बात ही खत्म हो गई, तो क्या बचा? BC equal to zero. अभी BC equal to zero का मतलब क्या होता है? डेट बी जीरो और BC equal to zero का मतलब क्या होता है? ये होता है ना केस, तो तब यहाँ पे अपने पास केसेस क्या क्या बनते हैं बोलो? डेट बी इज नॉन जीरो है ना, डेट बी इज नॉन जीरो केस बनाएंगे ना, डेट बी इज नॉन जीरो तो क्या आता है इससे? बी इनवर्स एग्जिस्ट, दैट इंप्लाइज सी जीरो मैट्रिक्स, डेट बी इज जीरो क्या आता है बताओ? हम लोग यहां पर लिखते हैं ना डेट बी, यहां जो लिखते हो डेट बी नॉन जीरो तो साथ में क्या लिखते हो? डेट सी जीरो ना, जब डेट बी जीरो लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिखते हो? डेट सी नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल जीरो का मतलब क्या आया बोलो? सी इनवर्स एग्जिस्ट, तो सी इनवर्स एग्जिस्ट मतलब क्या आ गया? बी इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, और लास्ट केस क्या आता है? डेट बी जीरो और डेट सी, डेट सी जीरो, तो ये केस तो क्वेश्चन ने कह दिया ना नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा केस है? ये केस है और केस, ये केस है, ये बात चमकती है क्या? नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से ये केस भी नहीं है ना, ये केस क्यों नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से बताओ? डेट बी इक्वल टू जीरो दिया, ये भी नहीं है, बस ये तो बस ये केस है ना क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओनली इस केस में सी मस्ट बी सिंगुलर मैट्रिक्स, ये बात चमकती है। मैंने जो पिछला वाला सॉल्यूशन किया था मैंने क्वेश्चन गलत रीड कर लिया था, ठीक है? नेक्स्ट बोलो। सेवेंथ सर, सेवेंथ के पहले आई वुड लाइक कि क्या सिक्स बन गया है क्या जितने लोग क्लास में प्रेजेंट है सबका? हाँ सर, सिक्स नहीं बना तो पूछो ना फिर क्लास में, बताओ क्लास में क्यों बैठे हो? मैं डर से बैठे हुए हो। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्यू एक्स इज इक्वल टू टू एफ इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एफ इंटू सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। हमें क्यू एक्स पे हमें कमेंट क्या करना है बताओ? किस पे कमेंट करना है? क्या निकालेंगे? टू डैश एक्स, हाँ सर, क्या आ रहा है बताओ? टू एफ स्क्वायर बाई टू इंटू टू एक्स माइनस एफ ऑफ सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस टू, हाँ हाँ, अरे क्लियर है क्या? तो टू टू कट गया, क्या आ गया बाहर में? टू एक्स बाहर आ गया, क्या लिखा है बताओ? एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एफ डैश सिक्स। एचएलपी में एक क्वेश्चन है एओडी की शीट में, साइन और कॉस भी साथ में यूज किया हुआ है। हम लोग क्या चाहिए इसके साइन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए ना, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? एफ डैश इंक्रीजिंग, एफ डैश इज इंक्रीजिंग, ठीक है? तो एक काम करे, पहले इसका साइन स्कीम निकाल लें और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो। हाँ ऐसे ही करते हैं ना यार। हाँ सर, तो इसको हटा देते हैं, पहले इसका साइन स्कीम निकालते हैं। इसका साइन स्कीम निकालते हैं मतलब क्या करेंगे हम लोग? इसके निगेटिव पॉजिटिव बात करेंगे ना, पहले इसका वो रीजन निकाल लेते हैं जहां पे ग्रेटर देन जीरो है। ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ रीजन रहेगा वो क्या रहेगा? लेस देन जीरो वाला। तो ये एफ डैश, ये फंक्शन इससे बड़ा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या होगा? दैट इंप्लाइज x square by 2 is greater than 6 minus x square, ये clear है? तो 3x square by 2 is greater than 6, that implies x square greater than 4, चमकता है? भाई कोई कुछ तो बोलोगे यार, but minus infinity से minus 2, union 2 से infinity, अरे ये बात चमकी क्या? हाँ सर। तो क्या मतलब आया इसका? क्या मतलब आया कि minus 2 से 2 के इधर में क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, कौन? अंदर वाला चीज, अंदर वाला। इसका साइन स्कीम कैसे आएगा? जीरो पे, मतलब जीरो के आगे पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, दोनों क्या करना है? मल्टीप्लाई ना, याद है बेसिक 11th में जो प्रूफ किया था आप लोग के साइन स्कीम, ऐसे ही प्रूफ किया था मल्टीप्लाई करके। तो फाइनल साइन स्कीम क्या आ जाएगा बताओ? माइनस टू जीरो टू, ध्यान आ रहा है? तो यहाँ पे क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा ना, टू के आगे पॉजिटिव है,
जीरो से टू में क्या हो जाएगा, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, माइनस टू से जीरो में क्या हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये बात क्लियर है क्या? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एचएलपी में एक और क्वेश्चन है जिसमें साइन और कॉस यूज किया हुआ है सेम एक्सप्रेशन में, टाइम मिले करके देख लेना। जब अलग अलग एक और बार समझा सकते हो कौन सा बताओ का? अच्छा ये बताओ ये किसका साइन स्कीम आया है, अंदर वाले एक्सप्रेशन का? हाँ। ये किसका साइन स्कीम आया है? वो बाहर वाले का। बाहर वाले का। हमको दोनों के प्रोडक्ट का साइन चाहिए ना। हाँ। हमें नंबर लाइन पे इसके पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, इसके पॉइंट्स प्लॉट कर लिए और फिर मल्टीप्लाई कर करके साइन स्कीम देख लिया। ऐसे तो साइन स्कीम ड्राइव करते हैं हम लोग 11th में। अरे इतना क्लियर है क्या? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब 0 टू 2 में इसीलिए ना। हां ठीक है समझा सर, ठीक है क्लियर है क्या सर? हाँ सर, मैंने मतलब इसमें ऐसा सोचा कि ना f डैश x मतलब जो अंदर वाला जो फंक्शन है जो मैंने किया है मतलब, ना जो मैंने किया है ना उससे हर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? उसमें मैं फालतू नहीं सोचूंगा मैं इसमें, ठीक है? बिल्कुल डायरेक्ट किया है मैंने, एग्जैक्ट ऐसे बनना चाहिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट बोलो सर। एक्सक्यूज मी सर, 7th वाला। अबे यार 7th किसी का बना है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ग्रुप पे डाल दो। 7th नहीं कर रहा मैं यार, वो बस ओपन ओपन करना है, उतना मन नहीं कर रहा मेरा करने। कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, मुझे डीपीपी बिल्कुल अच्छी लग रही है। मतलब मुझे लगा था कि सेकंड सेट में अच्छे क्वेश्चंस। अच्छा आगे आगे इंटीग्रेशन शुरू हो गया, लिमिट्स विमिट्स कहाँ है? लिमिट्स कहाँ है भाई? आई थिंक पिछले वाले सेट के लास्ट में लिमिट्स है क्या? अरे श्रेया, ए सेट हमने कहाँ बंद किया था करना? एक मिनट देखती। 18 क्योंकि सर मैट्रिक्स आपने लिमिट्स के बाद ही पढ़ा है, तो लिमिट शायद पिछले डीपीपी में होगा। पिछला डीपीपी अपन ने 18 पे बंद किया था। फिर से दुश्मन टॉपिक शुरू हो गया, इसमें इंटीग्रेशन भी नहीं है, फिर से एसओपी शुरू हो गया। यार मैं खुद का ही डीपीपी दे दूं क्या? तो क्या चल रहा है यार, मैं लास्ट ईयर की डीपीपी इंटीग्रेशन है आगे बहुत कम है यार, बहुत कम है। ठीक अब जो है सो करते हैं, तो ऐसा लग रहा है टाइम वेस्ट मत हो जाए करने में यार। ठीक अभी आज तो कर लेते हैं, मैं एक बार सारी डीपी देखता हूँ आंखों से पहले क्या चल रहा है। चलो नेक्स्ट बोलो यार, पिछले वाले सेट में कैसा है कुछ? सर पिछले के लास्ट में कॉनिक और सर्कल्स हो सर, पिछले में भी लिमिट्स नहीं दिख रहा कहीं। क्या ए सेट में लिमिट्स? एंड में तो कॉनिक्स ही चालू हो रहा है ए सेट के एंड, लास्ट में कॉनिक्स हो सब कोऑर्डिनेट। लिमिट्स नहीं है? नहीं सर नहीं है। नहीं सर। तुम लोगों को सेंटर से कितने डीपीपी मिले हैं? सेट दो ही मिले हैं। हाँ सर। और रेजो सर कितने हैं? एडवांस डीपीपी मिला है। एडवांस डीपीपी मतलब? रिसेंटली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का तीनों भेजा था कुछ। हाँ वो 8-8 क्वेश्चन, वो 8-8 डीपीपी करना है। वो तो अपन मेन टाइम में करेंगे, वो नहीं कर रहा हूं मैं, वो नहीं कर रहा हूं। मुझे ये बताओ ना तुम्हारे रेजो सर पे जेपी वाले कोर्स में कितने डीपीपी हैं? दो हैं कि एक, दो सेट है, एक ही सेट है? ठीक है देख के बताना रेजो सर पे कितना है। ठीक है चलो नेक्स्ट बोलो। रेजो सर पे देख के श्रेया बताना मेरे को, ठीक है कितने डीपीपी हैं आप लोग के सेट्स में? ठीक है मालूम चलेगा मुझे, क्योंकि लिमिट्स कहीं तो होगी यार। 23-30 में लिमिट्स है। 23-30 में लिमिट्स है ना? एफएस के 23-30 में कुछ तो हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड एकदम डिस्क्रीट, बहुत कम कम कुछ। अजीब सी डीपी लग रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं ऐसे। अच्छा मैं खुद का लास्ट ईयर डीपी ज्यादा अच्छा लगा सर इसके, अरे एकदम एंड में भी मतलब लिमिट्स है थोड़ा मतलब, लेकिन कम क्वेश्चंस है बहुत, ज्यादा नहीं है। पता नहीं क्या चल रहा होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही, पता नहीं कुछ तो।
इंटीग्रेशन तो है, देखा मैंने काफी आगे तो है, इंटीग्रेशन तो काफी है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन से देखता हूँ मैं, पिछले वाले में बोल रहा ना, है ना, ठीक है, पैनिक नहीं करते ना, होगा ही ना ऐसा, थोड़ा होगा, मतलब ऐसा होता नहीं है कभी भी, दिमाग इरिटेट हो गया मेरा बिल्कुल, ये पीएनसी देख देख के सर। सर इसमें लास्ट में वेक्टर भी है। हाँ वेक्टर तो मालूम है, चलो वेक्टर भी है कॉम्प्लेक्स भी है। हाँ बोलो कौन से करना है। एट। एट तरफ से अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, हाँ वो अच्छा है, ज्यादा क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है यार, कंसेप्ट वही रहता है, ऐसा नहीं है कि 1000 क्वेश्चन करेंगे फायदा होगा, लिमिट्स में एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो लिमिट्स में 100 क्वेश्चन करो, 10000 क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन को अंतर नहीं पड़ता है। अच्छा श्रेया तुम लोग को लॉपिटल दिखाया ना, नहीं दिखाया मैंने, दिखाया सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन है, अब क्वेश्चन में लॉपिटल अप्लाई क्या करो बेटा, ठीक है अगर कर पाओ तो, नहीं करना मत को अंतर नहीं पड़ता, कट दी एक्सिस एट पी एंड क्यू, तो ये पी और क्यू पे एक्सिस को कट किया, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एंड द सर्कल विद सेंटर एट क्यू, मैं कब से क्लास ले रहा हूँ, आ जाए 6:30 क्लास ले रहा हूँ, मैं हाल खराब हो गई, एंड द सर्कल विद सेंटर एट क्यू एंड वेरिएबल रेडियस इंटरसेक्ट द फर्स्ट सर्कल एट आर एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू एट एस, क्या कह रहा है ये, यही कह रहा है ना, ठीक है, हाँ, और ऊपर वाला आर पॉइंट, ऊपर वाला आर, ठीक है, क्या चाहता है क्या जिंदगी में, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रायंगल क्यूएसआर, अच्छा इस ट्रायंगल का इसको एरिया चाहिए ना, ठीक है, इस सर्कल का इक्वेशन लिखो कितना होगा बोलो, x माइनस वन का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को बोलो कितना होगा, आर स्क्वायर होगा, और इस सर्कल का इक्वेशन ये है, दोनों का कॉमन कॉर्ड निकालो कितना आता है, प्लीज बोल दो यार, कॉमन कॉर्ड निकालने आता है ना, एस माइनस एस प्राइम जीरो, 2x माइनस 1 इक्वल टू पक्का क्लियर है, हाँ 2x माइनस 1 कैसे आ रहा है तुम्हारा, 2x माइनस इक्वल टू 2 माइनस आर स्क्वायर, हाँ 1 माइनस 2x, अजीब सा बन गया है तो, 2x माइनस 1 नहीं 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 1, अजीब सा लग रहा है देखते हैं क्या बन गया है मेरा, आर स्क्वायर माइनस 2 बाई 2, अरे क्लियर है क्या सर, 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, क्या आया मेरा ये r का x कोऑर्डिनेट, कुछ मैंने निकाल, तू निकाला है, कुछ फायदा है क्या मुझे, क्या फायदा होगा इससे सर, इसे निकाल सकते हैं और हाइट निकाल सकते हैं ना ट्रायंगल का, हाँ वो ज्यादा अच्छा है, ट्रायंगल का हाइट निकाल तो 2 माइनस r स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 1 माइनस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, कितना आ रहा है, हाइट निकाल तो, गंदी वैल्यू आ रही है क्या, कितनी आ रही है हाइट बताओ, कुछ और कर सकता हूँ क्या मैं इसको, अच्छा तो है ये, ठीक ही तो है, क्या बुरा है इसमें, कितना आ रहा है बताओ, ज्यादा बुरा नहीं आएगा, इतना डरना नहीं चाहिए ना, फालतू में डर रहा हूँ, उस तो कट ही जाएगा ना, क्वेश्चन दिया है तो कटेगा, इतना तो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा ना अपने को, है ना, कुछ तो होगा ही ना यार, कितना है बताओ, 4 आर स्क्वायर माइनस आर पावर 4 बाई 4, यही है ना हाइट तो,
हाँ सर ठीक है। अभी एस क्यू चाहिए ना अपने को, एस क्यू तो क्यू तो 1,0 है, एस वाला पॉइंट बताओ कितना आएगा, 1 - r, 0 एस वाला पॉइंट कितना, रेडियस ही आ जाएगा ना वो एस, तो आर ही है ना, हाँ आर आर आ जाएगा, हाँ तो ये आर है ना, हाँ तो 1 - r आ गया, 1 - क्यों आर, एस क्यू आर ही तो है, हाँ वो एस का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट एरिया लिख दें, अरे एस क्यू आर ही है ना बेटा, हाँ एस क्यू आर है, हाँ सर हमें आर आर इनटू 4r² - r⁴/4 सही लग, हमको सही लग रहा है ये तो, इंटू हाफ कर दिए, अरे हाँ रूट कर दिए तो हम, लेकिन हमने सिखाया है ना आपको, हम लोग कभी इसमें डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, किसमें करेंगे स्क्वायर ले करते हैं ना, फायदा रहता है ना कैलकुलेशन करने में, अरे बोलो हाँ या ना बे, हाँ है ना, अभी सिंपल सी बात है, आर स्क्वायर को ए ले लो, तो क्या लिखा है 4a - a² है ना, a² a³ डिफरेंशिएट करोगे 8a - 3a² मतलब a इज इक्वल्स टू 8/3 मतलब r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/3 मतलब r इज इक्वल्स टू 2√2/3 अरे क्लियर है क्या, हां सर, अरे कोई बोलेगा सही लिखा होगा ना मैंने, हो गया ना आंसर, हाँ सर हाँ सर क्लियर है, हाँ सर समझा, अरे ठीक है क्या सर, वो नीचे वाला फोर कहाँ गया उधर, अपने भी स्क्वायर किया, अरे है फोर है क्या, हमने डिफरेंशिएट किया ना, अंतर नहीं पड़ता ना, है फोर है उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, ये बात चमकती है क्या, ठीक है, हेलो हाँ सर ठीक है चलो।